नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात हल्द्वानी उत्तराखंड में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 17 मई 2018 को रात के कोई 8 बजे का समय रहा होगा। हल्द्वानी भीमताल मार्ग पर गाँव सिलूड़ी के पास सड़क के किनारे खड़ी कार से अचानक ही आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देखते ही हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आसपास रहने वाले लोगों के अलावा राहगीर भी इकट्ठा हो गए। उस समय वहां पर मौजूद लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि ना तो उस कार का कोई एक्सीडेंट हुआ था और ना ही उस जलती कार से किसी के रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वहां मौजूद लोगों में से किसी ने उसकी सूचना पुलिस को और दमकल विभाग को दे दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड वाले वहां पहुंचे, कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार से धुआं उठ रहा था। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। कार के जलने की सूचना पर थाना कारगोदाम व थाना भीमताल की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब जांच की तो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर एक व्यक्ति का जला शव कंकाल के रूप में मिला। वो शव इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि उसकी ये भी शिनाख्त नहीं हो पाई कि वो पुरुष का है या फिर महिला का। पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद वहां पर रह रहे कुछ स्थानीय लोगों से उस कार के बारे में पूछताछ की तो सभी ने यही बताया कि कार से किसी के चीखने की आवाज नहीं आई थी। मौके की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही उसका डीएनए सैंपल भी सुरक्षित रखवा लिया। इस कार की सच्चाई जानने के लिए अगले दिन सुबह से ही भीमताल पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने जिले के सभी थानों को इस बर्निंग कार की जानकारी देते हुए पूछा था कि किसी भी थाने में किसी इंसान के लापता होने की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। इस कोशिश में भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि कार से जो जला हुआ शव मिला था उसकी शिनाख्त कैसे हो। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने गाड़ी की जांच पड़ताल की तो पुलिस के हाथ छोटा सा सुराग लगा। मृतक ने जो जूता पहन रखा था वो ऊपर से तो जल गया था, लेकिन उसका तलवा कार से ही चिपक गया था। पुलिस ने उस जूते के तलवे को किसी तरह छुड़ाया तो पता चला कि मृतक 7 नंबर का जूता पहनता था, लेकिन उस जूते के अंदर से भी ये साफ नहीं हो पा रहा था कि वो जूता किसी मर्द का है या फिर औरत का। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी थी कि अगले ही दिन सामिया लेक सिटी रुद्रपुर निवासी नीलम नाम की एक महिला सुबह सुबह रुद्रपुर कोतवाली पहुंची। उसने पुलिस को जानकारी दी कि उसका पति अवतार सिंह कल से लापता है। नीलम ने पुलिस को बताया कि कल शाम से उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। वो सारी रात अपने परिजनों के साथ उनकी तलाश करती रही, लेकिन उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। नीलम ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम वो अपने पति के साथ अपना इलाज कराने के लिए रुद्रपुर से हल्द्वानी आई थी, लेकिन डॉक्टर के ना मिलने के बाद अवतार ने बताया था कि उन्हें पहाड़ पर अपना कुछ काम है। तब वो उसे कालू सिद्ध मंदिर के पास उतार कर चले गए थे, जहां से देर रात वो दवा लेकर रुद्रपुर अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद उनका मोबाइल नंबर मिलाया तो उनका फोन स्विच ऑफ मिला था। मृतक की बीवी नीलम से विस्तृत पूछताछ करने के उपरांत थाना प्रभारी ने इसकी सूचना हल्द्वानी के SSP को दे दी। SSP के निर्देश पर थाना प्रभारी ने कुछ औपचारिकताएं पूरी करते हुए नीलम को सीधे भीमताल भेज दिया था ताकि वो घटनास्थल पर मिली कार की कुछ शिनाख्त कर सके। नीलम रुद्रपुर से सीधे थाना भीमताल पहुंची और पुलिस के सामने पति अवतार सिंह के गायब होने की बात बताते हुए कहा कि उसके पति सिडकुल की कंपनी में मैन पावर सप्लाई करते हैं। नीलम ने पुलिस को बताया कि पहले वो किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते थे, लेकिन करीब साल भर से उन्होंने अपना अलग काम कर लिया था। उसके बाद उन्होंने रुद्रपुर में अपना ऑफिस बना लिया था। वैसे वो मूल रूप से हरियाणा के निवासी थे और अब से लगभग 10 साल पहले रुद्रपुर में आकर बस गए थे। नीलम की बात सुनने के बाद पुलिस को लगा कि अब बर्निंग कार की गुत्थी शीघ्र ही सुलझ सकती है। पुलिस नीलम को अपने साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन नीलम ने जली कार को देखते ही उसे पहचानने से मना कर दिया। यही नहीं, उसने उस कार में कंकाल के रूप में मिले शव को भी नहीं पहचाना। उसका कहना था कि उसके पति तो हल्द्वानी तक मेरे साथ ही थे, वो कार खुद ही चला रहे थे, फिर उनकी बगल वाली सीट पर वो कंकाल किसका हो सकता है। उसी दौरान पुलिस ने उस जली कार की गहनता से जांच पड़ताल की तो पुलिस के हाथ ऐसा सूत्र लगा जो इस केस की जड़ों तक जा सकता था। छानबीन के दौरान पुलिस के हाथ गाड़ी के बोनट वाली डिक्की में रखा इंश्योरेंस का अलजला कागज मिला। पुलिस ने उस मिले कागज के आधार पर कार का पता किया तो वो अवतार सिंह के नाम से ही थी, लेकिन उस समय पुलिस के सामने एक और समस्या आ खड़ी हुई थी। नीलम ने उस कार से मिले कंकाल को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। नीलम का कहना था कि जिस समय उसके पति ने उसे वहां छोड़ा था तो वो कार में अकेले ही थे। फिर अगर कंकाल ड्राइवर की सीट पर होता तो वो मान सकती थी कि शव उनके पति का है। नीलम की बात सुनते ही पुलिस फिर से चक्कर में पड़ गई। उसके बाद तो पुलिस के सामने इस केस को खोलने के लिए एक ही रास्ता बाकी बचा था।
वो था पोस्टमार्टम और डीएनए की रिपोर्ट का। ये खबर तमाम अखबारों में प्रमुखता से छपी थी। इस खबर को पढ़ने के बाद 18 मई 2019 को अम्बाला निवासी अवतार सिंह के पिता गुलजार सिंह, मां नक्षत्र देवी और भाई जगतार सिंह हल्द्वानी पहुंचे। पुलिस पूछताछ में गुलजार सिंह ने अपने बेटे अवतार सिंह की हत्या की आशंका जाहिर करते हुए उसकी बीवी पर संदेह प्रकट किया। उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने गुलजार सिंह और उनके बेटे जगतार सिंह से लगभग आधे घंटे तक पूछताछ की। इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले राज खुलकर सामने आए। इस हादसे से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने के उपरांत उसी समय पुलिस ने गुलजार सिंह की तहरीर के आधार पर नीलम और उसके करीबी माने जाने वाले उसके दोस्त मनीष मिश्रा के खिलाफ थाना भीमताल में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस सब कार्रवाई से निपटने के बाद पुलिस ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए उसके परिजनों से पूछताछ करनी ही उचित समझी। अवतार सिंह के पिता और भाई के बयानों के आधार पर पुलिस को विश्वास हो गया था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि मर्डर है, जिसको अंजाम देने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने इस मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए उस हाईवे पर जगह जगह लगे लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इस मामले में पुलिस लगभग 30 से 35 लोगों से अलग अलग पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने अपना फोकस कैमरों को ही बना लिया था। इस दौरान रुद्रपुर से लेकर काठ गोदाम तक सीसीटीवी की जांच में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को उस कार में आगे की सीट पर दो लोग बैठे दिखाई दिए, लेकिन उन दोनों की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही थी। उस समय उस गाड़ी को कौन चला रहा था और उसके पास वाली सीट पर कौन बैठा हुआ था, ये जानकारी भी रहस्य बनी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस इतना तो जान ही चुकी थी कि उस कार में दो बैठे हुए व्यक्तियों में से एक जरूर हत्यारा रहा होगा, वरना वो भी कार में जल चुका होता। इस सब जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने अपना ध्यान उस दूसरे व्यक्ति पर लगा दिया जो कार जलने से पहले ही वहां से गायब हो गया था। ये सब जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस ने नीलम की सच्चाई जानने के लिए उसके मोबाइल को भी सर्विलांस पर लगा दिया। इसी दौरान पुलिस ने मृतक अवतार के घर से उसके महत्वपूर्ण कागजात अपने कब्जे में लेते हुए उनकी गहनता से जांच पड़ताल की। उन्हीं कागजों से पता चला कि अवतार ने 15 दिन पहले ही 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी नीलम को ही नॉमिनी बनाया था। ये सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस को पूरा विश्वास हो गया कि कहीं इस रकम को हड़पने की कोशिश में ही तो नीलम ने अपने पति की हत्या नहीं करा दी। उसी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि सामियाने स्थित अवतार का मकान भी उसकी पत्नी नीलम के नाम पर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी पुलिस अधिकारियों को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार मृतक की हत्या जलने से पूर्व ही हो चुकी थी। रिपोर्ट से पता चला कि मृतक की सांस नली ठीक ठाक निकली, जबकि अगर कोई इंसान आग में जलकर मरता है तो उसकी सांस नली में धुएं के कण जरूर मिलते हैं, जबकि कार से बरामद शव की सांस नली में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिससे साफ हो गया था कि अवतार को कहीं और खत्म करने के बाद उसके शव को कार में जलाकर हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी। नीलम का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाने के बाद पुलिस के सामने और भी चौंकाने वाले तथ्य उभर कर सामने आए। नीलम के फोन की कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा मिला जिस पर वो दिन में सबसे ज्यादा बातें करती थी। पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया तो जानकारी मिली कि वो नंबर मनीष नाम के व्यक्ति का है जो नीलम के पास में ही रहता था। नीलम के साथ मनीष का नाम जुड़ते ही पुलिस ने फिर से रुद्रपुर में मृतक अवतार के पड़ोसियों से पूछताछ की तो सब कुछ सामने आ गया। पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई कि मनीष और नीलम के बीच काफी समय से चक्कर चल रहा था, जिसे लेकर अवतार और उसकी बीवी में अक्सर झगड़े होते रहते थे। इस मामले के सामने आते ही पुलिस ने नीलम को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस ने नीलम को साथ लेकर घटनास्थल के 3 चक्कर लगाए, इसके बाद उससे पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान नीलम ने आखिर सच्चाई बता ही दी। इस बर्निंग कार का रहस्य जब लोगों के सामने आया तो सभी के होश फाख्ता हो गए। मृतक अवतार सिंह हरियाणा के अम्बाला कैंट थाना क्षेत्र के गांव घसीटपुर के रहने वाले गुलजार सिंह का बेटा था। कई साल पहले अम्बाला कैंट थाना क्षेत्र में ही अवतार सिंह के भाई जगतार सिंह एक केमिकल फैक्ट्री चलाते थे। उस समय अवतार सिंह भी अपने भाई के साथ फैक्ट्री में काम में हाथ बटाता था। उसी काम के दौरान ही अवतार की मुलाकात नीलम से हुई थी। नीलम बागेश्वर जिले के गाँव बनले कारोली गाँव की रहने वाली थी। वो देखने भालने में खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर अवतार सिंह फिदा हो गया था। फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। ये मुलाकात दोस्ती से शुरू होकर प्यार तक पहुंच गई। बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला ले लिया, लेकिन उनकी शादी के लिए दोनों के घरवाले राजी नहीं हुए। तब उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। करीब 1 साल बाद नीलम ने एक बेटी को जन्म दिया। लगभग 10 साल पहले अवतार रुद्रपुर में काम की तलाश में आया था। यहाँ पर उसने अपने किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप में सिडकू की कंपनी में मैन पावर सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद ही उनका काम तेजी पकड़ गया। जब काम ठीक ठाक चल निकला तो अवतार ने 2 साल पहले
रुद्रपुर में ही अपना अलग काम शुरू कर लिया। वहीं पर उसने अपना ऑफिस भी खोल लिया था। बाद में अवतार सिंह ने रुद्रपुर में ही अपना मकान भी बना लिया था। अवतार सिंह के घर के सामने ही मनीष मिश्रा का मकान था। मनीष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का रहने वाला था। मनीष करीब 2 साल पहले रुद्रपुर आया था। मनीष शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, लेकिन उसका परिवार प्रयागराज में ही रहता था। वो रुद्रपुर में अकेला ही रहता था। मनीष ने रुद्रपुर में सिक्योरिटी एजेंसी का ऑफिस खोला था। वो रुद्रपुर के ही विभिन्न फैक्ट्रियों में सुरक्षा कर्मियों को लगाकर उनसे अच्छा खासा कमीशन कमा लेता था। उधर अवतार सिंह फैक्ट्रियों में हाउसकीपिंग ठेकेदार था। आमने सामने रहने और एक ही लाइन से जुड़े होने के कारण अवतार सिंह और मनीष के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनका एक दूसरे के घर पर भी आना जाना था। इसी दौरान नीलम और मनीष के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गए। उनके बीच संबंध इतने प्रगट हो गए थे कि दोनों ने अवतार सिंह की गैरमौजूदगी में बाहर भी घूमना फिरना शुरू कर दिया था। मनीष ने अपने दोस्त के साथ दोस्ती में दगा करते हुए उसके बिस्तर पर भी कब्जा कर लिया। जब कभी भी अवतार किसी काम से घर से बाहर जाता तो उस रात मनीष पूरी तरह से नीलम के घर पर ही रहता था। इस तरह की बातें लाख छिपाने के बावजूद भी ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाती, लिहाजा किसी तरह उनके संबंधों की भनक अवतार को भी लग गई। उसने इस बारे में पत्नी से पूछताछ की, लेकिन नीलम ने सफाई देते हुए कहा कि उसके और मनीष के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने जरूर कान भरे होंगे। पत्नी की इस सफाई पर अवतार उस समय शांत जरूर हो गया, लेकिन उसके मन का शक दूर नहीं हुआ। वो पत्नी पर नजर रखने लगा। 4 महीने पहले की बात है, अवतार एक योजना के अनुसार किसी काम के बहाने घर से बाहर गया हुआ था। तभी नीलम ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने प्रेमी मनीष को बुला लिया। कुछ देर बाद अवतार घर लौट आया तो मनीष उसे घर पर ही मिल गया। मनीष को नीलम के साथ देखकर अवतार का खून खौल उठा। उसी दौरान दोनों में हाथापाई भी हो गई। यही नहीं, अवतार ने मनीष को डराने की नियत से अपने पिस्टल की नाल उसके मुंह में डालकर सुधरने की धमकी भी दी थी। उसी दौरान अवतार ने पुलिस को फोन करके घर बुला लिया। मनीष को पुलिस अपने साथ ले गई। उसके बाद चौकी में बैठकर दोनों के बीच सुलहनामा हो गया। उसी दौरान अवतार ने पुलिस के सामने ही मनीष को उसके घर पर ना आने की हिदायत दी। मनीष ने भी वादा किया कि वह आइंदा उसके घर नहीं जाएगा। फैसला हो जाने के बाद मनीष अपने घर चला गया, लेकिन उसके मन में उसी दिन से अवतार सिंह के प्रति नफरत का बीज अंकुरित हो गया था। मनीष ने मन ही मन में ठान लिया था कि वो किसी भी तरह से अपने अपमान का बदला लेकर रहेगा। मनीष जानता था कि अवतार की अपनी बीवी नीलम से नहीं बनती है। हालांकि नीलम ने अवतार सिंह के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन उसकी संपत्ति को देखकर वो भी बौखला गई थी। उसके बावजूद भी वो अवतार से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, जबकि अवतार उसे जी जान से चाहता था। उसका मकान भी अच्छा बना हुआ था। इसके अलावा हरियाणा में भी उसके नाम पर काफी संपत्ति थी। पुलिस चौकी में हुए फैसले के बाद मनीष ने कुछ दिनों के लिए नीलम से मिलना जुलना बंद कर दिया था, लेकिन फोन के द्वारा उसका और नीलम का संपर्क बना हुआ था। उसी दौरान मनीष ने नीलम से मिलकर अवतार को अपने रास्ते से हटाने की बात की तो नीलम भी तैयार हो गई। इसके बाद दोनों ने योजना बनानी शुरू कर दी, लेकिन किसी वजह से वो अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। मनीष जानता था कि अवतार सिंह को रास्ते से हटा देने पर वो करोड़ों का मालिक बन सकता है। मनीष का एक पुराना दोस्त था अजय यादव, जो जौनपुर जिले के दौलतिया गांव का रहने वाला था। मनीष ने अपने दिल की पीड़ा उसके सामने रखते हुए इस मामले में उसका साथ मांगा तो वो साथ देने के लिए तैयार हो गया। फिर योजना के अनुसार अजय यादव 15 मई 2019 को मनीष के पास पहुंच गया। मनीष और नीलम ने पूरी योजना पहले से ही बना रखी थी। योजना के तहत मनीष ने नीलम को नींद की गोलियां लाकर दे दी। 16 मई 2019 को नीलम ने ग्लूकॉन्डी के पाउडर में नींद की 10 गोलियां पीसकर मिला दी थी। वो ग्लूकॉन्डी पाउडर उसने 1 गिलास पानी में घोलकर अवतार को पिला दिया। नींद की गोलियों ने कुछ देर में असर दिखाया तो अवतार नींद में झूमने लगा। जब उसे लगा कि अब अवतार पूरी तरह से नशे में हो चुका है तो उसने तुरंत ही मनीष को फोन करके उसकी स्थिति बताकर उसे घर से निकलने के लिए कह दिया। नीलम ने बेहोश पति को जैसे तैसे अपनी कार में ही अगली सीट पर बैठा दिया। नीलम ने खुद कार चलाई और सीधे हल्द्वानी में मुखानी चौराहे पर स्थित डॉक्टर नीलांबर भट्ट के क्लिनिक पहुंची। योजना अनुसार मनीष और उसका दोस्त अजय यादव भी पल्सर बाइक से उसके पीछे लगे रहे। उसी दौरान उन्होंने रास्ते से ही पेट्रोल भी खरीद लिया था। हल्द्वानी पहुंचते ही नीलम ने वो कार मनीष के हवाले कर दी थी। मनीष कार को लेकर गांव सरड़ी के रास्ते निकल गया। उसका दोस्त अजय यादव उसके पीछे पीछे बाइक से चल रहा था। सरड़ी गांव के पास पहुंचते ही एकांत जगह पाकर मनीष ने अजय के सहयोग से गले में गमछा लपेटकर अवतार की हत्या कर दी। अवतार की हत्या करने के बाद मनीष और अजय ने उसके गले में पड़ी सोने की चेन और उंगली से सोने की अंगूठी भी निकाल ली थी। इसके बाद मनीष ने गाड़ी में पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। ये काम करने के बाद मनीष और अजय यादव उसी बाइक से हल्द्वानी की ओर आ गए। उस समय तक नीलम भी सिटी बस से
रुद्रपुर चली गई थी। योजना को अंजाम देने के बाद नीलम ने अगली सुबह ही रुद्रपुर जाकर पुलिस के सामने अपनी पीड़ा सुना दी। नीलम और मनीष इस कदर चालाक थे कि उन्होंने अवतार हत्याकांड को पूरी तरह से हादसा दिखाकर सारे सबूत खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस के सामने उनकी योजना धरी की धरी रह गई। उनकी असली योजना अवतार को गायब होना दिखाना था, लेकिन वो अपनी मंशा में पूरी तरह से असफल रहे। पुलिस ने मनीष मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया, जो इस वारदात को अंजाम देने के बाद से ही लापता हो गया था। पुलिस ने नीलम और उसके प्रेमी मनीष से विस्तार से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया था, जबकि पुलिस तीसरे अभियुक्त अजय यादव को तलाश कर रही थी, जो घटना वाले दिन से ही फरार हो गया था। इसके साथ ही पुलिस मामले की तहकीकात कर रही थी कि इस हत्याकांड में कोई और भी तो शामिल नहीं था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।